नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल सच्चे देशभक्त के माध्यम से भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे, जिनकी वजह से महिलाओं को अलग सम्मान मिला। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एंड राजनीतिज्ञ थी। एक लेक्चरर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुचेता बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी का जन्म एक बंगाली परिवार में 25 जून 1908 को भारत के हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ और उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई। सुचेता कृपलानी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज से उच्च शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद सुचेता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। 1936 में उनका विवाह आचार्य जे बी कृपलानी से हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सुचेता कई बार जेल भी गई। सन 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया। सन 1958 से लेकर सन 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव भी रही। 1963 से 1967 तक वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली सुचेता कृपलानी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वह अरुणा आसफ अली और ऊषा मेहता के साथ आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुई। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिया और नोआखली में महात्मा गांधी के साथ दंगा पीड़ितों इलाकों में गांधी जी के साथ चलते हुए पीड़ित महिलाओं की मदद की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हड़ताल वापस लेने पर मजबूर किया। वह एक ऐसी महिला थी जिसमें जुझारूपन कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने जुझारूपन और सूझबूझ का उदाहरण उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजी सरकार ने सारे पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब सुचेता कृपलानी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, बाकियों की तरह मैं भी जेल चली जाऊंगी तो आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा। इस दौरान भूमिगत होकर उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और पुलिस से छुपते छुपाते 2 साल तक आंदोलन भी चलाया। उन्होंने इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स भी बनाई और महिलाओं और लड़कियों को ड्रिल, लाठी चलाना, प्राथमिक चिकित्सा और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। इसके साथ साथ वह राजनीतिक कैदियों के परिवार की सहायता की जिम्मेदारी भी उठाती रही। आज़ादी के बाद हुए पहले चुनाव में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली लोकसभा सीट से 1952 व 1957 में लगातार 2 बार सांसद चुनी गई। इसके बाद 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई। सन 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1 दिसंबर 1974 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके शोक संदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि सुचेता जी ऐसे दुर्लभ साहस और चरित्र की महिलाएं थी जिनसे भारतीय महिलाओं को सम्मान मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती सुचेता कृपलानी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।